आज के इस व्लॉग में मैं आपको लेके आई हूँ सराजी शादी में। और सराजी शादी हमारे यहाँ की डिस्ट्रिक्ट की एक मतलब पहले नंबर पर भद्रवाही शादी दिखाई मैंने आपको, अब मैं आपको सराजी शादी दिखाने वाली हूँ। और इस शादी में जो है, तो ये शादी कहाँ से शुरू होती है, ये शुरू होती है मेहंदी से। और जो दूल्हे वाले होते हैं वो दुल्हन के घर में मेहंदी पहुँचाने जाते हैं और अब शुरू होती है हमारी शादी। सराजी शादी की शुरुआत होती है मेहंदी से। और पहले सबसे पहले दूल्हे वाले जो होते हैं लड़के वाले, तो मेहंदी पहुंचाने जाते हैं मेहंदी का थाल सजा के, और दुल्हन के घर जाएंगे और वहां से मेहंदी पहुंचा के आएंगे। उसके पश्चात जो है, जैसे ही दूल्हे वाले मेहंदी लेके जाते हैं, तो उसके पश्चात जो है दूल्हे का जो मामू है, तो वो मामू और मामी जो है, तो वो भेड़ू लेके आते हैं और ढोल वगैरह सब वही लाते हैं। तो इस सराजी भाषा में इसको क्या बोलते हैं मुझे, मामा कट। हाँ, मामा कट। और मामा कट लेके आए हैं अभी, तो वो वाला मैं फंक्शन आपको दिखा रही हूँ। हल्दी लगाई जाएगी और हल्दी के लिए दूल्हा बैठ गया है और साथ में दूल्हे की माँ है, तो स्टार्टिंग होगी। अब हल्दी लगाएंगे सारे। सभी जो हैं बारी बारी से हल्दी लगाएंगे, पूरे परिवार के बहनें, चाचे, ताए, बुआ, जितने भी रिश्तेदार होते हैं। बिजी हूँ मैं।
देख जीजू कितनी दूर से आए तुझे हल्दी लगाने। नहीं यार मैं जिंदगी में नहीं बात। हल्दी का फंक्शन जो आज समाप्त होने समाप्त ही की ओर है। अब लास्ट ये हल्दी लगाएंगे और उसके पश्चात जो है मेहंदी का फंक्शन शुरू हो जाएगा, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये हमारी उर्वा रानी और शिवन्या रानी दोनों हल्दी लगाने गई हैं। Yeah.
यहाँ पे मेहंदी गोली जाएगी और पहले मेहंदी का घोल बनाया जाएगा, उसके पश्चात दूल्हे को मेहंदी लगाई जाएगी और देखते हैं कौन घोलता है मेहंदी को। कंजक के द्वारा मतलब दो मेहंदी घोलने का उद्घाटन जैसा किया जाता है और उसके पश्चात जो है भाभी मेहंदी घोलती है। के पास बैठ के और दूल्हे के हाथ पांव धोएंगी और दूल्हे के साथ जो छोटा दूल्हा होता है तो उसके भी हाथ पांव धोएंगी। राहुल भाभी बोले नीनेड़ी गाय सर पे उठा के आती है।
भी नाच गाने के साथ जो है, तो ये फंक्शन तो है 1-2 बजे तक चलेगा, पर मैं आज की ब्लॉग को भी एंड करती हूँ क्योंकि इतनी स्पेस है, मैं और नहीं दिखा सकती। तो कल पार्ट 2 दिखाऊंगी शादी का, तब तक के लिए मेरे चैनल को शेयर करना ना भूलिए।